रिटर्न इज गेस वर्क, मतलब ये आगे पीछे हो सकता है, दिस इज नॉट फिक्स्ड, एक अज्यूम्ड है कि हाँ इस समय लिखा गया होगा। एंड रिवेंज ट्रेजेडी है, एलिजाबेथन ट्रेजेडी है, रिवेंज प्ले है, और ये इसका सब टाइटल हो गया। इसके अंदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है कि रिवेंज को एज पर्सन प्रेजेंट किया गया है, एज कैरेक्टर प्रेजेंट किया गया है। देर इज यूज ऑफ प्ले विद इन प्ले, प्ले जो विलियम शेक्सपियर बहुत सारे प्लेज में यूज करने वाले हैं। तो उसका वेंजेंस दिखाया है, और ये T.S. एलियट के वेस्टलैंड में मेंशन है। ना स्टोरी देखते हैं, सो स्टोरी के अंदर क्या है कि देर इज वॉर बिटवीन पोर्चुगल एंड स्पेन। ठीक, सो थोड़ी डिफिकल्ट है स्टोरी, बट मैं बहुत ही मतलब छोटे में आपको, ताकि कहानी समझ में आ जाए। बाकी आपकी क्लास के साथ PDF अटैच है, तो यू कैन गो थ्रू दैट, वो उसके अंदर थोड़ा सा आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा कंटेंट भी। सो पोर्चुगल और स्पेन के बीच में क्या चल रही है, लड़ाई। अब पोर्चुगल का वाइस रॉय है, और उसका बेटा है बाल्थासार, और यहाँ पे क्या है, स्पेन का मतलब हाई लेवल का ऑफिसर है कौन, एंड्रिया। ठीक, अब ये जो बाल्थासार है ये किल्स एंड्रिया। ठीक, ये इवेंट हो गया, सो एंड्रिया इज डेड, और इसके अंदर एंड्रिया का ही जो घोस्ट है वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है, एंड्रियास घोस्ट। तो किसने मारा, बाल्थासार ने। अब होता क्या है, पोर्चुगल की हो जाती है हार, स्पेन जीत गया एंड पोर्चुगल हार गया। सो इसको कर लिया जाता है कैप्चर, बाल्थासार को कर लिया गया है कैप्चर, एंड एंड्रिया इज डेड, और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया है एंड्रियास घोस्ट। ठीक, कहानी आगे बढ़ती है। अब है हमारे यहाँ पे किंग स्पेन के अंदर, ठीक, और दो लोग हैं, कौन कौन से, लोरेंजो और होरेशियो। होरेशियो जो है वो इसका फ्रेंड है, और लोरेंजो जो है वो किंग का नेफ्यू है। अब बैल्थसार को लेकर के दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है कि भाई मैंने कैप्चर करा बैल्थसार को, मैंने कैप्चर करा। दोनों अपने अपने पॉइंट्स दे रहे हैं, राजा को समझा रहे हैं। अब राजा क्या करते हैं, वो लोरेंजो को कहते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ही इज योर प्रिजनर। किसको दे देते हैं, लोरेंजो को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। अब इसी में हमारी ये कहानी चल रही है, इसी में देयर इज अनदर कैरेक्टर, वो क्या है, बेल, इम्पीरिया, बेल इम्पीरिया। अब बेल इम्पीरिया क्या है, वो एंड्रिया शी लव्स एंड्रिया, और उसको फिर ये काफी समझाने की कोशिश करता है होरेशियो, और उसको कंसोल करने की कोशिश करता है। अब एंड्रियो को लगता है कि अगर मैं होरेशियो से प्यार करने लगूं तो मैं बैल्थसार से रिवेंज ले सकती हूँ अपने लवर का, जो मेरे लवर के साथ हुआ है उसका बदला ले सकती हूँ। सो अब शी इज इन लव विथ होरेशियो। ये मैं हार्ट बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक, होरेशियो को। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमारे पास कैरेक्टर आते हैं कौन से, हीरो नीमो और इजा बेला। अब इनको क्या पता चलता है कि भाई किसी ने होरेशियो को हैंग करके, पियर्स करके बुरे तरीके से मार दिया है, और लोरेंजो ने इधर इसको भी इम्प्रेजन में अपने पास रख लिया है, बेल एम्पीरिया को।
बेलिम्पीडिया समहाउ अपने ब्लड से चिट्ठी लिख के हेरोनीमो को बताती है कि होरेशियो इज डेड और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लोरेंजो। लोरेंजो किंग के सामने साबित करता दैट ही इज अलाइव एंड वेरी वेल्दी और उसके पास बहुत पैसे हैं। फिर ये क्या हो जाता है, इसका रिवेंज, इसका रिवेंज। और इधर शुरू में एंड्रियास के घोस्ट के साथ हमारा कैरेक्टर है रिवेंज, अनादर कैरेक्टर। सो अब ये पूरा फुल ऑन रिवेंज मोड में चल रहा है एवरीबडी। फिर ये एक यहाँ पे प्ले ऑर्गेनाइज करता है, उसका नाम है सोलेमन एंड पसेडा। प्ले विद इन दी प्ले है ये, सोलेमन एंड पसेडा, प्ले विद इन प्ले। और यहाँ पे जो रियल जो एक्टर्स वाली नाइफ्स होती हैं उसको बदल के रियल नाइफ्स रख देता है। तो ये सुसाइड कर लेती है और बाकी लोगों की भी डेथ हो जाती है। और हेरोनिमो, इसकी वाइफ ने अपने आप सुसाइड कर लिया कि भाई मैं बेटे के उसमें पेन में नहीं रह सकती, सो इज वेरी फ्यूरियस, वेरी मैड। तो सारे लोग यहाँ पे मर रहे हैं और ये अपनी जीभ काट लेता है ताकि किसी को पता ना चले, सीक्रेट। और फिर ड्यूक को भी मार के देन ही ऑल्सो किल्स हिमसेल्फ, सो ही ऑल्सो डाइज, शी ऑल्सो डाइज, डाइज, सब एक एक करके मरते हैं। और बाद में दे से कि हाँ अब ये सही हमारा बदला हुआ स्टोरी का। सो ये आपके कुछ कैरेक्टर्स एंड दिस इज हाउ योर स्टोरी वेंट, है ना। और ये था हमारा द स्पैनिश ट्रेजेडी 1592। 1592 डेट है और ये रिटन डेट मैंने 1588 मेंशन करा। सो दिस इज ऑल इन टुडेज क्लास, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास एंड कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट राइटर।